इधर रायपुर में पुरानी पेंशन बहाली योजना के तहत सीएम भूपेश बघेल का आज सम्मान किया जाएगा। बहाली पर सीएम का सम्मान होगा। सीएम भूपेश का शिक्षक और पंचायत सचिव सम्मान करेंगे और रायपुर के इंडोर स्टेडियम में इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। तो बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आज उनका सम्मान किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल का अभिनंदन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। तो पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम का सम्मान होगा। बता दें जैसे ही यह निर्णय लिया गया था, बजट सत्र में इस बात का ऐलान हुआ था, उसके बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल था और कर्मचारी खुश हैं, इसलिए सीएम भूपेश बघेल का आज सम्मान हो रहा है। शिक्षक और पंचायत सचिव मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो इस खबर पर संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, पुरानी पेंशन बहाली योजना के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, कर्मचारियों की मांग भी थी, और जब बजट सत्र में इस योजना को एक बार फिर बहाल किया गया तो सीएम भूपेश बघेल की तारीफें भी हुई और अब उनका सम्मान भी होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात है, तो उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक फैसला लेकर पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पर इसके बाद से तमाम कर्मचारी जो है काफी खुश थे और उसी कारण जो है मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। आज इस दरमियान जो है रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित की गई है। 2 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे और शिक्षक और पंचायत सचिव जो है मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। कहीं ना कहीं जो पुरानी पेंशन जो लागू करने की मांग काफी जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिया और कर्मचारियों के अनुरूप जो है ये फैसला लिया, तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों में काफी खुशी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत करना चाहते हैं। इसी दरमियान जो है आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में करीब 2 बजे जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर जो शिक्षक और पंचायत सचिव है वो मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन योजना से फायदा जो है कर्मचारी और सरकार दोनों को होगा और लंबे समय से यह मांग चल रही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत ऐतिहासिक फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है मुख्यमंत्री से रूबरू होना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। बिल्कुल कुलेश्वर, और आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो सीएम भूपेश का शिक्षक और पंचायत सचिव आज सम्मान करने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली पर सीएम का आज सम्मान होगा। दोपहर 2 बजे इंडोर स्टेडियम में सीएम भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल का अभिनंदन किया जाएगा।